हाय, जैसा कि आप जानते हैं कि रिसेंटली बहुत सारी इंटरनेट कंपनीज ने अपने IPOs लॉन्च किए हैं, जैसे कि पेटीएम, Zomato, नाइका एक्सेट्रा। इंटरनेट कंपनीज ऐसी कंपनीज होती हैं जो इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को अपने कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं, यानी कि इनका मेन बिजनेस इनकी वेबसाइट और ऐप पर ही डिपेंड करता है। ट्रेडिशनल कंपनीज की तरह इन कंपनीज के कोई बड़े बड़े फैक्ट्रीज, प्लांट्स या फिजिकल प्रेजेंस नहीं होती है। इंटरनेट कंपनीज का बिजनेस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होता है और वो उसी के थ्रू अपने यूनिक सर्विसेज ऑफर करके मार्केट शेयर अक्वायर करती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 8 ऐसी इंटरनेट कंपनीज के बारे में बताएंगे जिन्होंने रीसेंट टाइम्स में अपने IPO लॉन्च किए हैं। हम ये एनालाइज करेंगे कि IPO के बाद इन कंपनीज के शेयर्स ने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई है। हमने इन कंपनीज का रिटर्न कैलकुलेट करने के लिए 23rd of November की क्लोजिंग प्राइसेस को कंसिडर किया है। जिस कंपनी ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है उसके बारे में हम आपको एंड में बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कंपनी है कार्ट्रेड टेक। ये कंपनी मल्टी चैनल ऑटो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। कंपनी का स्टॉक अपने IPO इशू प्राइस से अराउंड 38% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 37% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, यानी कि कंपनी के पास कोई डेट नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 5.49% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 85.58% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 32.17% के रेट से कंपाउंड हुई है। सेकेंड कंपनी है 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड। ये पेटीएम की पेरेंट कंपनी है जो डिजिटल पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का स्टॉक अपने IPO इशू प्राइस से अराउंड 31% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 34% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी -19.45% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन -56.13% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 42.8% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। थर्ड कंपनी है फिनो पेमेंट्स बैंक। ये एक फिनटेक कंपनी है जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइड करती है। कंपनी का स्टॉक अपने IPO इशू प्राइस से अराउंड 22% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 31% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 2.81 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15.05% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 104.25% है। पिछले 3 साल में कंपनी की सेल्स 9.32% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। फोर्थ कंपनी है PB फिनटेक लिमिटेड, जिसे पॉलिसी बाजार के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपनी इंश्योरेंस और काफ़ी सारे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स ऑफर करती है। कंपनी का स्टॉक अपने IPO इशू प्राइस से अराउंड 25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 16% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.05 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी -10.83% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन -19.89% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 58% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। फिफ्थ कंपनी है FSN E-commerce Ventures Limited, जिसे नाइका के नाम से भी जाना जाता है। ये कंपनी अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ब्यूटी, फैशन और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। कंपनी का स्टॉक अपने IPO इशू प्राइस से अराउंड 90% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 12% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.86 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15.62% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.54% है। पिछले 3 साल में कंपनी की सेल 61.98% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। सिक्स्थ कंपनी है Zomato लिमिटेड। जैसा कि आप जानते ही होंगे, Zomato एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है। कंपनी का स्टॉक अपने IPO इशू प्राइस से अराउंड 96% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 14% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है और इसका रिटर्न ऑन इक्विटी -12.34% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन -27.38% है। पिछले 3 साल में कंपनी की सेल्स 62.34% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। सेवंथ कंपनी है नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये एक गेमिंग और स्पोर्ट्स मीडिया प्लेटफॉर्म है। कंपनी का स्टॉक अपने IPO इश्यू प्राइस से अराउंड 104% ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 33% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 1.55% है। नेट प्रॉफिट मार्जिन 2.91% है। पिछले 5 साल में कंपनी की सेल्स 16.55% के रेट से कंपाउंड हुई हैं।
एथ कंपनी है इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड। ये कंपनी अपने ब्रांड ईज माई ट्रिप के अंडर ट्रैवल रिलेटेड प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ऑफर करती है। कंपनी का स्टॉक अपने IPO इशू प्राइस से अराउंड 176% ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अराउंड 31% नीचे ट्रेड कर रहा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.28 है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी 46.48% है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 58.39% है। पिछले 3 साल में कंपनी की सेल्स 2.14% के रेट से कंपाउंड हुई हैं। तो ये थी वो 8 इंटरनेट कंपनीज जिन्होंने रीसेंट टाइम्स में अपने IPOs लॉन्च किए हैं। हम उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। हमें कॉमेंट करके बताएं कि क्या आपने इनमें से किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है या करने वाले हैं या नहीं। हम आपको याद दिला दें कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हैं और किसी भी तरह की कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि हम तमिल, तेलुगू, कन्नड़ा, गुजराती और मलयालम में भी ऐसे ही एजुकेशनल और इन्वेस्टिंग रिलेटेड वीडियोस पोस्ट करते हैं। तो अगर आप इनमें से किसी लैंग्वेज में वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चैनल्स के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मार्केट्स के बारे में ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स देखते रहने के लिए ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.